मंडी जिला के जोगिंदरनगर में फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ी गई चीनी महिला को जोगिंदरनगर की स्थानीय अदालत ने दोषी करार दिया है। मंडी की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि इस महिला को अदालत ने 4 महीने कैद की सजा सुनाई है और यह महिला अभी तक अपनी सजा पूरी भी कर चुकी है। ऐसे में अगले हफ्ते चीनी सरकार को सौंप दिया जाएगा। विदित होगा, कुछ समय पहले एक लेडी को जो है अरेस्ट किया गया था जोगिंदरनगर में और उसमें फेक पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स जो है वो फेक पाए गए थे। उसी सिलसिले में कोर्ट द्वारा जो है उस महिला को आरोपी घोषित करके जो उनको सज़ा दी गई है और इसमें फर्दर कार्रवाई हमारे एंड पे जो है वो हम करें और जैसे ही ये सज़ा का पीरियड होगा इसके बाद जो हमारी फॉरनर्स एक्ट के प्रोविजन्स के तहत जो आगे की कार्रवाई उसको हम। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस महिला को पिछले साल चौंतड़ा की तिब्बती मोनेस्ट्री से गिरफ्तार किया गया था। महिला फर्जी दस्तावेज के साथ खुद को नेपाल मूल का बताकर सितंबर 2022 से मोनेस्ट्री में रह रही थी। ये महिला बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आई थी।